हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू EasyTutsForYou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हम पहले और भी कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रक्चर को हम इसके पहले पढ़े गए टॉपिक एरे के साथ कंपैरिजन अगर करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसके टॉपिक एरे के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आपको और आसानी से समझ आएगा कि स्ट्रक्चर और एरे में क्या समानता है या फिर इन दोनों में क्या अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं एरे से। एरे, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एरे सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। एक ही प्रकार के डेटा टाइप को एक जगह एक ही नाम से कलेक्ट किया जाता है तो वो एरे होता है। जैसे हम इंटीजर का एरे भी बना सकते हैं, फ्लोट का एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर का एरे बना सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग प्रकार के डेटा को एक ही नाम से ग्रुप करके रखा जाता है, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब सी में ऐसी फैसिलिटी दी गई है स्ट्रक्चर के नाम पर या स्ट्रक्चर के रूप में, जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के रिलेटेड डेटा आइटम्स को, अलग अलग प्रकार के डेटा आइटम्स को एक ही जगह पर ग्रुप्ड करके रख सकते हैं और उसका नाम आप डिक्लेयर करेंगे, वो पूरे ग्रुप का नाम एक ही होगा। जैसे एरे हम डिक्लेयर करते हैं, सपोज हमने किसी स्टूडेंट का मार्क स्टोर करने के लिए मार्क नाम का एरे बनाया है, तो नाम तो उसका मार्क ही होता है लेकिन उसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट, सपोज इंटीजर है तो 10 इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, उसका नाम मार्क ही होगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कि हम किसी पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, उस पर्सन का कुछ भी नाम हो सकता है। अगर हम पर्सन का डिटेल इनपुट कराना चाहते हैं तो पर्सन के बारे में मान लीजिए हम चाहते हैं कि उसकी आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी सैलरी, ये सब सपोज ये मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है, हम स्टोर कराना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्सन के बारे में अगर हम डिटेल जानकारी की बात करें तो उसकी जो डिटेल्स है वो अलग अलग डेटा टाइप है, एक ही डेटा टाइप नहीं है। जैसे आईडी, आईडी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, नेम एक स्ट्रिंग हो सकता है, एड्रेस एक स्ट्रिंग हो सकता है, सैलरी फ्लोट वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से अगर हम किसी पर्सन के रिकॉर्ड को इनपुट कराना चाहते हैं तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो सी ने ये फैसिलिटी दिया है कि स्ट्रक्चर में हम अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को एक ही नाम से ग्रुप्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन के बारे में डिटेल्ड है। तो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर, जिस तरीके से एरे में सिमिलर डेटा टाइप आइटम का कलेक्शन होता है एरे, वैसे ही स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही नाम से ग्रुप्ड करके रख सकते हैं। सी ने ये फैसिलिटी स्ट्रक्चर के रूप में हमको दी है, इसके लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम इसका एक सेंटेक्स समझते हैं कि किस तरीके से अगर हम प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। तो इसका सेंटेक्स इस प्रकार से है। सेंटेक्स, आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रक्ट लिखने के बाद फिर आप स्ट्रक्चर का नाम देंगे, स्ट्रक्चर नेम या फिर स्ट्रक्चर टैग भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम एरे का नाम देते हैं या फिर हम जब और कोई डेटा टाइप बनाते हैं तो उसका नाम देते हैं, वैसे ही जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर नेम होगा जिसके अंदर उसके मेंबर्स, अलग अलग प्रकार के जो डेटा आइटम्स होंगे, डेटा टाइप होंगे, वो उसके अंदर ग्रुप्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड है, उसके बाद स्ट्रक्चर टैग, मतलब स्ट्रक्चर का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। अब आपको अपने स्ट्रक्चर में, जैसे आपको किसी पर्सन का डिटेल इंटर कराना है तो उसमें जो अलग अलग डेटा टाइप लगते हैं आप उसको एज अ मेम्बर स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होगा डेटा टाइप, और इस तरीके से जैसे ये डेटा टाइप हुआ मेंबर वन, इसी तरीके से और भी डेटा टाइप आप डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं, डेटा टाइप मेंबर टू, डैश 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 डैश, और भी हो सकते हैं। फिर लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं struct कीवर्ड का यूज करते हुए आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर कुछ नाम होगा और उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप एज अ मेंबर हो सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे। जैसे कि आपको इंटीजर वैल्यू लगती है, फ्लोट वैल्यू, तो आप डेटा टाइप के साथ उनको एक नाम देकर डिफाइन कीजिए, जैसे आप प्रोग्राम के अंदर करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर स्ट्रक्चर के मेंबर कहलाएंगे। मान लीजिए सपोज स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर के मेंबर कहलाएंगे। उसी तरीके से अब वेरिएबल पर आते हैं। स्ट्रक्चर में आप या तो इसका वेरिएबल मेन फंक्शन में बना सकते हैं या स्ट्रक्चर को क्लोज करने के बाद यहाँ आप क्लोज करने के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद ही स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देखिए ये हुआ एक स्ट्रक्चर को अगर आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का ये हुआ सिंटैक्स। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्चर का नाम, ये इसके मेंबर्स हुए और लास्ट में स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो एक वेरिएबल या फिर एक से अधिक वेरिएबल बना सकते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं तो एक वेरिएबल का नाम लिख के सेमीकोलन, या फिर एक से अधिक वेरिएबल्स बनाते हैं तो बीच में आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को एक ही नाम से ग्रुप्ड करके रखा जाता है स्ट्रक्चर में। ये फैसिलिटी सी द्वारा हमें दी गई है। स्ट्रक्चर में हम उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप रखते हैं अलग अलग या फिर एक ही प्रकार के, वो हमारे मेंबर होते हैं। स्ट्रक्चर के आप के अंदर आप पॉइंटर, स्ट्रक्चर के अंदर आप एरे, या स्ट्रक्चर के आप अंदर आप स्ट्रिंग या अदर वेरिएबल्स जो भी हैं वो उसके मेंबर के रूप में हो सकते हैं। आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल या तो मेन फंक्शन में बना सकते हैं या तो स्ट्रक्चर के कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद वहीं पर बना के इसको सेमीकोलन से क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं, अदरवाइज अगर आप नहीं बनाना चाहते तो स्ट्रक्चर को यहीं पर सेमीकोलन से आप क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल मेन के ऊपर अंदर भी बना सकते हैं। आगे के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे मेन के अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं और उस वेरिएबल के द्वारा जो यहाँ वेरिएबल बनाए गए हैं इनका यूज होता है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो कैसे हम इसके मेंबर एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे और एक प्रोग्राम को रन करके या फिर उसको बना के देखेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट egstartforyou.com पर लॉग इन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।